छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला सहित सरहदी क्षेत्रों में बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी के निर्देशानुसार नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत दंतेवाड़ा पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने एक नक्सली को मार गिराया। साथ ही टीम ने शव के पास से 12 बोर बंदूक, 3 नग जिंदा राउंड, पिट्ठू बैग बरामद किया। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम नक्सल गश्त सर्चिंग अभियान पर निकली थी। इसी दौरान डोडी, तुमनार और गमपुर के बीच उनकी नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। उसी मुठभेड़ में ये नक्सली ढेर हुआ है। जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु जिला दंतेवाड़ा एवं सरहदी क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर नक्सल ग्रस्त उन्मूलन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 4 अप्रैल 2024 को थाना क्रंदुल क्षेत्रांतर्गत गमपुर, टोटीकुमनार, पुरंगिल के जंगल में सशस्त्र माओवादी की आसूचना पर डीआरजी बस्तर फाइटर सीआरपीएफ यंग प्लाटून 231 वाहिनी की संयुक्त पार्टी नक्सल गश्त सर्चिंग पर निकली थी। नक्सल गश्त सर्चिंग के दौरान थाना क्रंदुल क्षेत्र अंतर्गत गमपुर, टोटीकुमनार, पुरंगिल, बड़ेपल्ली के जंगल में पूर्व से घात लगाकर बैठे नक्सलियों द्वारा अपने अवैध स्वचालित हथियारों से पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा सुरक्षित आड़ लेकर नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग किया गया, जिसमें पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल पहाड़ का आड़ लेकर भाग खड़े हुए। बाद में पुलिस पार्टी द्वारा आसपास सर्चिंग करने पर एक पुरुष माओवादी का शव, 1 नग 12 बोर बंदूक, 3 नग जिंदा राउंड, पिट्ठू बैग, नक्सली साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। मारे गए पुरुष माओवादी की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ में कई और नक्सलियों के घायल होने की प्रबल संभावना है। मुठभेड़ के बाद इलाके में पुलिस पार्टी द्वारा गश्त सर्चिंग अभी भी जारी है।